Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? I am Dr. Danish, consultant dermatologist and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ स्किन केयर इन प्रेगनेंसी. कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेगनेंसी में आ सकते हैं, उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड. एक कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं वो है कि स्किन सेंसिटिव हो गई है, स्किन ड्राई हो गई है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऑलरेडी जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं उनको चेक करवाएं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, क्योंकि स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है और आप कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं लाइक सैलिसिलिक एसिड हो गया या रेटिनॉइड्स जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए. तो अपने फेस वॉश को देखें कि उसमें कोई ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं है. प्लस मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें, फेस की हाइजीन का ख्याल रखें और उसमें जो है वो आप क्लींजिंग करें. क्लींजिंग के लिए आप कोशिश करें कि आप क्लींजिंग मिल्क्स का इस्तेमाल करें. आप घर में भी कच्चा दूध लेकर उससे क्लींजिंग कर सकते हैं. अगर स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप उसमें हनी डाल के क्लींजिंग कर सकते हैं. इसी तरह वीक में 1 से 2 times आप स्क्रबिंग करें. आप घर में भी स्क्रब कर सकते हैं, बेसन ले लें और उसके अंदर आप ऐड करें दही ऐड कर सकते हैं और उससे एक अच्छा स्क्रब अपने चेहरे का और अपनी नेक का जो है वो आप स्क्रब कर सकते हैं. एक और प्रॉब्लम जो है वो है जी पिगमेंटेशन का. सन स्पॉट्स आ जाते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें और ऐसे फ्रूट्स और जूसेस लें जिसमें विटामिन सी हो जो पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्पफुल होता है. उसके अलावा जो है वो छाइयां बन जाती हैं वो होती हैं आयरन की कमी की वजह से, तो उसमें जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं. एक और प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं वो है जी स्ट्रेच मार्क्स बॉडी पे बन जाते हैं, तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आपने अपने वेट को स्टेडी गेन करना है. एकदम से वेट गेन करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आता है. तो उसके लिए आप उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप घर में ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं अपने बेली पे. वो काफी हद तक प्रिवेंट कर सकता है. बट अगर आपको फिर भी हो जाती हैं तो आप प्रेगनेंसी के बाद जितना अर्ली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएंगे उतना जल्दी जो है वो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतनी जल्दी चांसेस हैं कि आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं. एक और प्रॉब्लम जो पेशेंट फेस करते हैं वो है जी डर्टी नेक. गर्दन काली हो रही है तो बेसिकली जो होता है उसको कहते हैं एगेंथोसिस नाइग्रिकेंस. उसमें पिगमेंटेशन नहीं आ रही, स्किन का टेक्सचर वेल्वेटी हो रहा है, स्किन की थिकनेस बढ़ रही है. सो आप घर में एक तो स्क्रबिंग कर सकते हैं जैसे पहले बताया चेहरे के लिए, प्लस आप जो है उसको अपने वेट को स्टेडीली गेन करें ताकि ये प्रॉब्लम कम से कम आए. बाकी जो इसके लिए क्रीम्स वगैरह हैं वो फिर आप प्रेगनेंसी के बाद यूज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते. अच्छा, बहुत से पेशेंट्स को जो है वो इचिंग का प्रॉब्लम रहता है, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. तो आपने कोशिश करनी है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करके कोई ऐसी मेडिसिंस इचिंग के लिए इस्तेमाल करें जो इचिंग को स्टॉप करें. सूदिंग लोशंस का इस्तेमाल करें ताकि इचिंग से बॉडी पे निशान ना पड़े और जो ऑलरेडी जो स्ट्रेच मार्क्स बन रहे हैं उनके निशान मजीद गाढ़े ना हो जाए. तो इस इचिंग को आपने कंट्रोल करना है. एक और जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो है जी हेयर फॉल. जो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो जाता है, जो उनका गिरने का जो अमल है वो रुक जाता है और आफ्टर डिलीवरी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है. बट फिर भी पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं वो होता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है और इस वजह से न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी उनकी कमी की वजह से जो है वो हेयर फॉल हो रहा है. तो एक तो आपने मल्टीविटामिंस का इस्तेमाल करना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रिकमेंड करके, प्लस आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं जिसमें अंडा है, दही है या एलोवेरा है. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली आप मिनोक्सिडिल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, वो चीज़ें प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है. सो बेटर है कि आप उनको अवॉइड करें और आफ्टर प्रेगनेंसी उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. अपना ख्याल रखें, अपनी जिल्द का ख्याल रखें. मुझे कहते हैं डॉक्टर दानिश, अल्लाह हाफिज़.